डॉक्टर बनकर जो लोगों की जिंदगी बचाना चाहता था वो हथियार उठाकर आतंकी बन गया। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का दावा है कि जम्मू कश्मीर में आईपीएस अफसर का छोटा भाई उनके संगठन में शामिल हो गया है। हिजबुल मुजाहिदीन ने 35 आतंकवादियों की तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें 2012 बैच के आईपीएस अफसर का छोटा भाई शमसुल हक मेंगनू भी शामिल है। 22 मई को शमसुल श्रीनगर की कश्मीर यूनिवर्सिटी के कैंपस से लापता हो गया था। अब उसके हिजबुल में शामिल होने का दावा है। 20 साल का शमसुल हक बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी का कोर्स कर रहा था। शमसुल के बड़े भाई और आईपीएस अफसर नॉर्थ ईस्ट में तैनात है। किन हालात में शमसुल हक हिजबुल में शामिल हुआ, उसने क्यों हथियार उठा लिए, इसकी वजह साफ नहीं है। हिजबुल मुजाहिदीन ने जो तस्वीरें जारी की है उसमें हथियार के साथ शमसुल की तस्वीर है। तस्वीर में नाम के आगे डॉक्टर शमसुल हक लिखा है। कोड नेम बुरहान सानी है। परिवार या सुरक्षा बलों ने शमसुल के आतंकी बनने की कोई पुष्टि नहीं की है। हिजबुल ने जिन 35 आतंकवादियों की तस्वीरें जारी की हैं, उसमें कुछ पढ़े लिखे युवा हैं।